मेरा नाम राजीव है एंड वेलकम टू सेवेंथ वीडियो ऑफ जावा सीरीज। सो इस सीरीज में हम आईसीएसई बोर्ड के 10th और 9th का जावा का पूरा कोर्स कवर कर रहे हैं, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। सो अगर आपने अब तक बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो इन सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हो। मैंने बिल्कुल बेसिक जीरो से स्टार्ट किया है। कोई भी स्कूल स्टूडेंट, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड में हो या कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर जावा सीखना चाहते हो बिल्कुल बेसिक से, सो ये वीडियोस आपके लिए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? सो मैं यहां पे हेडिंग डाल लेता हूं वेरिएबल्स। सो वेरिएबल का डेफिनेशन होगा, वेरिएबल्स आर दी कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन विच आर यूज टू स्टोर डेटा, राइट? सो वेरिएबल्स, जावा में वेरिएबल्स कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन होते हैं जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। ओके, सो प्रोग्राम में अगर आप कोई भी डेटा स्टोर करते हो, जैसे मान लो आपने प्रोग्राम में एक वेरिएबल लिया एक्स, राइट, और इसमें हमें 10 स्टोर करना है। तो अगर एक्स में 10 स्टोर करना है तो 10 क्या है? एक इंटीजर है। तो एक्स असाइन विद 10, और अगर एक्स में हम 10 स्टोर करेंगे तो एक्स के पहले क्या लिखेंगे? आईएनटी। एक्स के पहले मैंने आईएनटी क्यों लिखा? क्योंकि हमें जावा को बताना पड़ता है कि इस वेरिएबल में हम इंटीजर स्टोर करने जा रहे हैं, यानी बिना पॉइंट वाला नंबर। अगर मान लो कोई वेरिएबल है वाई, इसके अंदर अगर पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे 3.5 या कोई भी और वैल्यू, तो इसके पहले लिखेंगे डबल, डी ओ यू बी एल ई। सो जावा का ये रूल है कि किसी भी वेरिएबल में अगर आप कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हो, राइट, तो बताना पड़ेगा जावा को कि वो वैल्यू किस टाइप की होगी। तो अगर इंटीजर है वैल्यू तो वेरिएबल के नाम के पहले आईएनटी, अगर पॉइंट वाली वैल्यू है तो यहाँ पे आईएनटी की जगह फ्लोट या डबल। तो ये पूरा डेटा टाइप का कंसेप्ट है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी वेरिएबल पे आते हैं, राइट। सो जैसे हमारा एक वेरिएबल है एक्स, जिसके अंदर हमने 10 स्टोर किया है। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि जो भी डेटा हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं जावा लैंग्वेज में, वो डेटा कहाँ स्टोर होता है? हमारे कंप्यूटर की मेमोरी पे, राइट। सो जो हमारा कंप्यूटर का मेमोरी है वो छोटे छोटे लोकेशन में बटा होता है, ठीक। अब जैसे ही आप कोई वेरिएबल आपने लिया int x assign with 10, सो कंप्यूटर क्या करेगा? देखेगा कौन सा लोकेशन खाली है। अगर मान लो दिस वन, अगर ये लोकेशन खाली है तो कंप्यूटर इसको क्या नाम दे देगा? x। और जब x में आप 10 स्टोर करोगे तो 10 एक्चुअली x में स्टोर नहीं हो रहा है, x जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उस लोकेशन पे हमारा 10 स्टोर हो जाएगा। हालांकि ये प्रोसेस इतना भी सिंपल नहीं है, नंबर हमारा बाइनरी में पहले कन्वर्ट होता है और लोकेशंस एक एक बिट के होते हैं, बट उतने डिटेल में अभी हमें नहीं जाना, आगे के वीडियोस में उस डिटेल को हम लोग देखेंगे। तो एक बार फिर से, वेरिएबल क्या होता है? कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन होता है जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। सो मैं चलता हूं प्रोग्राम पे। सो पहले हम, अगर आपने प्रोग्राम अब तक एक भी नहीं किया है तो इस सीरीज का बिल्कुल पहला वीडियो जिसमें मैंने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कराया था, उस वीडियो को जरूर देख लेना, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना, क्योंकि ये मैं सेवेंथ वीडियो में सेकंड प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। अब तक मैं थ्योरी कवर कर रहा था। सो क्लास हम बना लेते हैं ABC, और फिर इस क्लास के अंदर हम बनाएंगे मेन मेथड, ये मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में ही। अब जो भी हमें कोड लिखना है हम इस मेन मेथड के अंदर लिखेंगे। तो सपोज हमें 10 और 20 ऐड करके प्रिंट करना है, तो 10 और 20 ये दोनों क्या है? इंटीजर हैं, तो दोनों को पहले वेरिएबल में स्टोर करना होगा। सो दो नंबर है तो वेरिएबल कितना चाहिए? दो। तो वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, वेर वन कॉमा वेर टू और लास्ट में सेमी कॉलन। आप चाहो तो ए और बी ले लो, चाहो तो एक्स वाई ले लो, कुछ भी। अच्छा, इन दोनों के पहले अंदर हमें क्या स्टोर करना है? 10 और 20। 10 भी इंटीजर है, 20 भी इंटीजर है, तो वेर वन वेर टू के पहले हम लिखेंगे int। मतलब हमने जावा को ये बताया कि वेर वन और वेर टू में हम इंटीजर स्टोर करेंगे। आप चाहो तो इसको अलग अलग लाइन में भी कर सकते हो, वेर वन सेमी कॉलन एंड देन अगेन int वेर टू और फिर सेमी कॉलन, और चाहो तो एक लाइन में भी कर सकते हो। तो ये दो वेरिएबल हो गया हमारा जिसमें हम अपने दोनों नंबर x और y को स्टोर करेंगे। ओके, अब जब दो, सॉरी x y मैं बोल रहा हूँ, 10 और 20 को स्टोर करेंगे।
सो अब जब दोनों को ऐड करेंगे 10 और 20 को, तो एक तीसरा नंबर भी आएगा दोनों को ऐड करने पे, तो उसको स्टोर करने के लिए भी एक वेरिएबल चाहिए। तो वेयर टू के बाद कॉमा लगा के मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूं आर, रिजल्ट के लिए। ओके सो अब स्टोर करते हैं। तो वेयर वन, अब वेयर वन वेयर टू आर के साथ एक बार आईएनटी मैंने लिखा है तो दोबारा अब नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार बताना होता है। सो वेयर वन असाइन विथ 10, फिर सेमी कॉलन। मैथ्स में हो सकता है आप लोग इसको असाइनमेंट ऑपरेटर नाम से जानते हो, ये जो इक्वल्स का साइन है, मैथ्स में हो सकता है इसको इक्वल टू नाम से जानते हो, बट जावा में इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ये करता क्या है, जो भी राइट हैंड साइड में लिखा है उसको लेफ्ट हैंड साइड वाले में स्टोर कर देता है। तो अगर हमने लिखा है x असाइन विथ 9, तो 9x में स्टोर होगा। ओके सो वेयर 1 में हमने 10 स्टोर कर लिया, फिर वेयर 2 में हम 20 स्टोर करेंगे। अब हमें दोनों को ऐड करना है, तो वेयर 1 जिसमें पहला नंबर है प्लस वेयर 2 जिसमें दूसरा नंबर है, और इन दोनों के सम को किसमें स्टोर कर लेंगे, r में, और फिर लास्ट में सेमी कॉलन। अब रिजल्ट को हमें प्रिंट भी करना है, तो प्रिंट कैसे करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहां पे पहले एक मैसेज प्रिंट कर देंगे। पहले वीडियो में देखा होगा मैंने क्या बताया था, अगर हमें कोई मैसेज प्रिंट करना है तो उसको हम डबल कोटेशन में लिखेंगे। तो सम ऑफ टू नंबर्स देन इक्वल्स, ओके मैं इसको हटा देता हूं, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। सो सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स, अब ये जो डबल कोटेशन में लिखा हुआ है सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल, एग्जैक्ट यही प्रिंट कर देगा, और इक्वल्स के बाद हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो आर डबल कोटेशन के बाहर होगा। अगर हमने आर को डबल कोटेशन के अंदर लिखा तो आर ही प्रिंट कर देगा, क्योंकि वो भी स्ट्रिंग का पार्ट हो जाएगा। ओके और अब डबल कोटेशन में जो लिखा है सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू, इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं जो भी डबल कोटेशन में लिखा हो, और आर क्या है, इंटीजर है, क्योंकि देखो आर के पहले आईएनटी लिखा है, तो इन दोनों के बीच में हम प्लस लगा देंगे। ओके क्योंकि दो तरह का डेटा हम एक साथ लिखे हैं, लास्ट में सेमी कॉलन। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, पहले वीडियो में मैंने बताया था, पहले कंपाइलर को बुलाएंगे जावा सी, फिर प्रोग्राम का नाम क्या है, प्रोग्राम का नाम abc.java, एंटर। प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, अब इंटरप्रेटर, सो जावा अगेन एबीसी, इस बार डॉट जावा नहीं लगाएंगे, एंटर। देखो सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू 30 हमारा आ गया। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कैसे हम दो नंबर्स को वेरिएबल में स्टोर करेंगे और फिर उसका सम निकाल के प्रिंट करेंगे, राइट। सो अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लो होगा क्या, प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है लाइन बाय लाइन। हमारा जो कंट्रोल है, मतलब जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, वो पहले इस लाइन को रीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर इस लाइन को, फिर इस लाइन को। जब इस लाइन को हमारा कंट्रोल पढ़ेगा तो वेयर वन वेयर टू और आर के पहले आईएनटी लिखा है, तो समझ जाएगा ओके इन तीनों में इंटीजर स्टोर करना है। अब अगर आपने इन तीनों में पॉइंट वाला नंबर स्टोर कर दिया तो एरर आ जाएगा, क्योंकि पहले हमने उस वेरिएबल्स के पहले आईएनटी लिखा है। फिर अब इस लाइन में क्या होगा, वेयर वन असाइन विद 10, और उससे पहले आईएनटी वेयर वन वेयर टू आर, जब कंप्यूटर इस लाइन को रीड करेगा तो क्या करेगा, वो मेमोरी पे जाएगा हमारा कंट्रोल, और देखेगा तीन लोकेशन कहां पे खाली है। सो सपोज मेमोरी पे तीन लोकेशन, एक लोकेशन ए खाली है, दूसरा लोकेशन हमारा ये वाला खाली है, और तीसरा लोकेशन ये वाला खाली है। सो कंप्यूटर किसी एक लोकेशन को वेयर वन को अलॉट कर देगा, किसी एक को वेयर टू को, और किसी एक को आर को। तो जब अगले लाइन में हमने वेयर वन में 10 स्टोर किया, तो 10 कहाँ स्टोर होगा, जिसको वेयर वन पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे। फिर वेयर टू में जब हमने 20 स्टोर किया, तो वेयर टू 20 कहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे। फिर जब आर में हमने वेयर वन प्लस वेयर टू किया, मतलब 10 प्लस 20 30, तो 30 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। इसीलिए हमारे वेरिएबल का डेफिनेशन था, वेरिएबल्स आर द कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन विच आर यूज टू स्टोर डेटा। यहाँ पे 10, 20 या दोनों का सम, वो हमारा डेटा है। सो आई होप वेरिएबल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और इसके साथ साथ हमारा दूसरा प्रोग्राम है इस सीरीज का, जिसमें हमने देखा है कि हम दो नंबर को कैसे ऐड करके उसका सम प्रिंट कर सकते हैं। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पर आंसर दूंगा, और अगर पॉसिबल होगा तो उसके लिए अलग वीडियो भी बनाऊंगा। सो अगर वीडियो सही लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।